कर दूं कि विद इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप लोगों ने ये चीज पढ़ी थी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं अक्रॉस दी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स वन, कॉम्प्लेक्स टू, कॉम्प्लेक्स थ्री। एक्चुअली ये क्या है इनको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, या इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर प्रेजेंट होंगे, या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रेजेंट होंगे, या आपकी जो मेम्ब्रेन है इसके ही इस हाइड्रोफोबिक एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज कॉम्प्लेक्सेस या दीज कैरियर्स कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन को एक कैरियर से दूसरे कैरियर तक ट्रांसफर करेंगे, देन थर्ड कैरियर एंड देन फोर्थ कैरियर। तो हमें एक चीज यहाँ से पता चली थी, और वो ये थी कि ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किन स्पीशीज के दरमियान होता है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन कैरियर। कौन सा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, सॉरी कौन सा कैरियर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और कौन सा कैरियर उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ये डिपेंड करता है उनके रिडॉक्स पोटेंशियल के ऊपर, ठीक है। जिस कैरियर का रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करेगा फ्रॉम द प्रीवियस कैरियर जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल के अंदर अरेंज होते हैं, जिसका सबसे कम है देन उससे ज्यादा फिर उससे ज्यादा, और इस तरह से आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या रिडॉक्स पोटेंशियल में आपके ये जो कैरियर्स हैं ये क्या होंगे, अरेंज होंगे। हर कैरियर की जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी है वो दूसरे कैरियर से डिफरेंट है। लाइक हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर कैरियर पढ़े थे, इन कैरियर के अंदर हमने पहला कैरियर पढ़ा था क्विनोन, और क्विनोन के केस में हमने कहा था कि मैक्सिमम ये टू इलेक्ट्रॉन्स को पिक करते हैं, लेकिन टू इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम अगर अवेलेबल नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे एंड देन दे विल गो फॉर द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को ये इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्सेप्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इन कम्बिनेशन विद प्रोटॉन। सेकेंड जो हमने टाइप डिस्कस की थी उसमें हमने साइटोक्रोम की बात की थी, और साइटोक्रोम में हमने कहा था कि साइटोक्रोम कैन एक्सेप्ट ओनली वन इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि जब तक ये इलेक्ट्रॉन किसी आगे वाली स्पीशी को डोनेट नहीं करेंगे पीछे से ये इलेक्ट्रॉन दोबारा पिक नहीं कर सकते, बिकॉज एट अ टाइम सिर्फ ये एक ही इलेक्ट्रॉन को कैरी कर सकती है, और ये इलेक्ट्रॉन को जो है वो विदाउट प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है, यानी डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकती है फ्रॉम अ डोनर टू एक्सेप्टर। और इनमें भी हमने मल्टीपल टाइप्स पढ़ी थी, हमारे पास साइटोक्रोम ए बी और सी को डिस्कस किया था। ये आपके पास जो है वो हाइड्रोफिलिक है तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है, जबकि ए और बी जो है ये इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कहीं प्रेजेंट होगी, किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स का पार्ट होगी, ठीक है, वो फ्री फॉर्म के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। और लास्ट पे हमने आयरन सल्फर प्रोटीन्स को डिस्कस किया था। तो इन सब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को डिस्कस करने के बाद मैंने आपसे ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हमेशा अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी जिस कैरियर का रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है वो उसकी पोजीशन जो है वो पिछले कैरियर से एक यूनिट आगे की तरफ होगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए कौन कौन से कैरियर थे और सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, लाइक अगर आप सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी रिवाइज करो तो उसमें आपने ये चीज डिस्कस की थी कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आने हैं वो दो सोर्सेज से आने हैं, या तो NADH में लेके आने हैं विच इज अ सोलेबल इलेक्ट्रॉन कैरियर, या फिर कोई फ्लेवो प्रोटीन लेके आएगी। फ्लेवो प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जिस प्रोटीन के अंदर FAD प्रेजेंट होता है, और ये FADH2 की फॉर्म में होगा, तो पूरी की पूरी प्रोटीन आएगी अपने FADH2 से इलेक्ट्रॉन निकाल के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को ट्रांसफर कर देगी और FAD रीजनरेट कर लेगी, ठीक है। तो प्रोटीन वापस जहाँ पे यूज हो रही थी वो वहां पे जाके वर्क करना शुरू कर देगी, लेकिन आपका एंड इफेक्ट क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं जिसमें आपने इन सोर्सेज को भी जहन में रखना है, NAD को, FAD को, और इन इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को भी माइंड में रखना है, ये जो यूबीक्विनोन,
साइटोक्रोम्स और आयरन सल्फर प्रोटीन्स मैंने आप लोगों के साथ प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, इनको माइंड में रखते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि क्या ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स फ्री फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को जो है वो किसी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। तो यू विल सी कि हम जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं तो हम हमेशा जो है वो एक कॉम्प्लेक्सेस को रेफर जरूर करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वी हैव मल्टीपल कॉम्प्लेक्सेस जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज हैं और इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एक्चुअली क्या चीज प्रेजेंट होती है, हमारे कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। यानी ये अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है इसके कॉम्प्लेक्सेस हैं, कॉम्प्लेक्स वन, तो एक्चुअली इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर वो कैरियर्स प्रेजेंट होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन को पिक करेंगे फ्रॉम दी सोर्स। लाइक अगर आपके पास सोर्स यहाँ पे NADH है तो इलेक्ट्रॉन NADH के अंदर अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि टू इलेक्ट्रॉन है प्लस वन प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब ये NADH कॉम्प्लेक्स को अप्रोच करेगा तो आपने ये चीज याद रखनी है कि NADH का जो रिडॉक्स पोटेंशियल है, दिस रिडॉक्स पोटेंशियल इज लो, और कॉम्प्लेक्स वन का जो रिडॉक्स पोटेंशियल है, दिस रिडॉक्स पोटेंशियल इज हाई। एक तो ये रीजन होगी। तो आपका ये जो NADH है, दिस हैज अ बाइंडिंग साइट इन दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये NADH यहाँ पे जाके बाइंड करेगा और बाइंडिंग के बाद अपने टू इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। नाउ इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होगा विच इज गोइंग टू एक्सेप्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो इससे हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमने पीछे क्विनोन, साइटोक्रोम और आयरन सल्फर प्रोटीन्स पढ़ी थी कि दीज आर द इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये कभी भी फ्री फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगी विद सम एक्सेप्शन, जिसमें हमने साइटोक्रोम सी को कहा था कि ये फ्री फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है और क्यूनॉन्स में कोएंजाइम क्यू को हमने कहा था कि ये फ्री फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करती है बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक नेचर। बट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैरियर दे आर कोवलेंटली बाउंड टू दी कॉम्प्लेक्सेस, यानी कॉम्प्लेक्स वन के साथ या कोवलेंटली बाउंड होंगे, कुछ आपके पास इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स टू के साथ बाउंड होंगे, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स थ्री और कॉम्प्लेक्स फोर के साथ भी आपके जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं ये क्या होंगे, कोवलेंटली अटैच हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस को देख लेते हैं कि इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर कौन कौन से जो है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट हैं और इनकी जो है वो क्या क्या स्पेशलिटीज हैं, यानी क्या सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन को पिक करती हैं या उसके साथ साथ प्रोटॉन पंपिंग भी करवाती हैं। तो इन कॉम्प्लेक्सेस को वन बाय वन डिस्कस करने के बाद दोबारा हम जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मैकेनिज्म को यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो है वो सोर्सेस को आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है, हमने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम इन फोर डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इन डिटेल स्टडी करेंगे, इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे कि उनमें क्या क्या यूनिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं, और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन सब पॉइंट्स को कलेक्टिवली अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड द वेरी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली NADH2 यूबीक्विनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज कॉम्प्लेक्स। बच्चों ये चीज याद रखनी है आपने कि दीज कॉम्प्लेक्सेस, मोस्ट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस आर एक्चुअली एंजाइम्स, ठीक है। ये प्रोटीन्स हैं और ये एंजाइम्स हैं एंड दे आर बाउंड विद द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्सेस आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जो कि आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास कर सकती है। लाइक दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये भी डबल मेम्ब्रेन है, एंड दिस इज द स्पेस बिटवीन टू मेम्ब्रेन विच इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। सो आपके पास जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पहला कॉम्प्लेक्स है, दिस कॉम्प्लेक्स इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन मीन्स
कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास कर सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और आपकी प्रोटीन का कुछ पोर्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से होता हुआ यहाँ पे जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी सारी की सारी प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास कर सकती है, स्पैन कर सकती है, उन प्रोटीन को आप कहते हो कि दीज आर एक्चुअली ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और यहाँ पे आप जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कह रहे हो दिस इज अ मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड एक्चुअली दिस प्रोटीन इज एंजाइम इन नेचर। इसकी नेचर क्या है कि दिस इज एन एंजाइम एंड व्हाट इज द एक्चुअली द कैटालिटिक मैकेनिज्म ऑफ दिस एंजाइम इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, NADH और यूबीक्विनोन के दरमियान ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज कराती है। जैसा हम इसे कहते हैं NADH टू यूबीक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज एंड इट्स फंक्शन इज टू ऑक्सीडाइज NADH, यानी उसमें से आपका जो हाइड्राइड आयन है उसको रिमूव करेगी, टू इलेक्ट्रॉन प्लस वन प्रोटॉन को रिमूव करेगी और उसको NAD प्लस के अंदर कन्वर्ट करेगा ये एंजाइम। और दूसरी तरफ जो यूबीक्विनोन है, जिस यूबीक्विनोन को हम कहते हैं कोएंजाइम क्यू, उसको क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। यानी डेफिनेटली अगर उसने यहाँ पे क्यू है तो क्यू के केस में हमने इसके कैटालिटिक मैकेनिज्म में पहले ही पढ़ा था कि क्यू कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। यानी दो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से निकलेंगे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को पहले एक्सेप्ट करेगा अलॉन्ग विद वन प्रोटॉन और कन्वर्ट हो जाएगा सेमीक्विनोन में। सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे रिलीज हो रहा है उसको पिक करने के लिए अब यहाँ पे सिर्फ एक प्रोटॉन आपके पास अवेलेबल था जो कि इसने रिलीज किया था NADH में। ठीक है, सो सेकेंड प्रोटॉन ये मीडियम से पिक करेगा बिकॉज क्विनोन कैन नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन अलॉन, इससे जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन भी रिक्वायर्ड है। सो आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द सेकेंड इलेक्ट्रॉन दिस क्विनोन विल बी फुली रिड्यूस्ड एंड इट विल गो इन टू क्विनोल फॉर्म। This is quinol form. So, यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका ये जो ऑक्सीडो रिडक्टेज है इन दोनों स्पीशीज में से एक स्पीशी को ऑक्सीडाइज कर रहा है और दूसरी स्पीशी को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। सो दिस ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम इज कैटालाइजिंग एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बिटवीन द डोनर एंड एक्सेप्टर। दिस इज अ डोनर जहां से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होंगे एंड दिस इज द एक्सेप्टेड स्पीशीज जो कि इन रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है। सो नाउ लेट्स सी कि एक्चुअली यहाँ पे किस तरह से जो है ये कैटालिटिक मैकेनिज्म होता है और इस एंजाइम की स्पेशलिटी क्या है। सो लेट्स एक्सप्लोर द फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वन। सो कॉम्प्लेक्स वन इज NADH टू यूबीक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम एंड इट कैटालाइजेस द टू साइमल्टेनियस एंड कपल्ड प्रोसेसेस। यानी एक तरफ तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कि आपका जो NADH प्लस प्रोटॉन जो कि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को रिलीज करेगा एंड इन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को यूबीक्विनोन या कोएंजाइम क्यू एक्सेप्ट कर लेगा और अपनी फुली रिड्यूस फॉर्म के अंदर जाएगा। ये किस तरह से होगा ये मैं प्रीवियस स्लाइड के अंदर इस चीज को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, एक तो चीज आपने यहाँ पे देखी कि दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सर्गोनिक प्रोसेस, दिस इज एन एक्सर्गोनिक, द फर्स्ट रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस। यानी ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है दिस इज हाईली एक्सर्गोनिक प्रोसेस और इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जो कि हम इसकी फ्री एनर्जी वैल्यू को देखते हुए प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सर्गोनिक प्रोसेस है इससे एनर्जी रिलीज हो रही है लेकिन एटीपी तो काफी आगे जाके बनना है ना, एटीपी तो आपके पास जो है वो आगे कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स थ्री कॉम्प्लेक्स फोर और फिर कॉम्प्लेक्स फाइव में जाके बनाना है। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है दिस एक्सर्गोनिक प्रोसेस इज कपल्ड विद एन एंडरगोनिक प्रोसेस एंड दिस एंडरगोनिक प्रोसेस इज प्रोटॉन पंपिंग। यानी ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं होगी बल्कि उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए आपका जो कॉम्प्लेक्स वन है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में से फोर प्रोटॉन्स को पिक करता है और उनको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज देता है। लाइक मैं यहाँ पे इस चीज को अगर एक्सप्लेन करूं बाय एडिंग अनदर स्लाइड,
तो आप लोग जो है वो हर कॉम्प्लेक्स के लिए इस चीज को अब आपने देखना है कि किस कॉम्प्लेक्स के अंदर किस किस्म का केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहा है। तो आपका जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, यस, इस कॉम्प्लेक्स में आपने दो चीजें ऑब्जर्व करनी है। एक तो आप ये देखोगे कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, अब यहाँ पे सबको पता होना चाहिए कि मैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ। इसमें एक कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स में दो बाइंडिंग साइट है। द फर्स्ट बाइंडिंग साइट इज फॉर दी कंटेनर NADH एंड द सेकेंड बाइंडिंग साइट इज फॉर द कोएंजाइम Q एक्सेप्टर। और दरमियान में कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेज हैं जो कि इधर से निकलने वाले, डोनर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, एक्सेप्टर की तरफ जाएंगे। बट मैं आप लोगों को ये चीज बता रही हूँ कि ये जो प्रोसेस है, यानी ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सर्गोनिक प्रोसेस, और इस प्रोसेस में सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होनी है। तो आपका ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, ये जो एनर्जी इधर रिलीज होगी, उस एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में से 4 प्रोटॉन्स को उठाएगा और इन 4 प्रोटॉन्स को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर भेज देगा। दिस प्रोसेस इज नॉर्मली एन एंडरगोनिक प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। प्रोटॉन्स वैसे जो है वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इज कपल्ड विद द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। एक्सर्गोनिक प्रोसेस आपका जो है वो इस एंडरगोनिक प्रोसेस के साथ कपल होके प्रोटॉन्स को एक कंपार्टमेंट से उठा के दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि इस प्रोटॉन पंपिंग की एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन यहाँ पे आपने इस चीज को याद रखना है कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस एक्सर्गोनिक प्रोसेस के दौरान, वो एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं हुई, बल्कि वो एनर्जी यूज हो रही है फॉर दी प्रोटॉन पंपिंग। तो अब अगर इस पॉइंट को माइंड में रखते हुए आप वापस कॉम्प्लेक्स वन को डिस्कस करें, तो यू विल ऑब्जर्व कि दिस कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली एन एंजाइम, एंड दिस एंजाइम इज ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, जिसमें आपका जो डोनर है दिस इज रिड्यूस्ड NADH एंड एक्सेप्टर इज ऑक्सीडाइज यूबिक्विनोन। दिस ऑक्सीडो रिडक्टेज इज गोइंग टू कैटलाइज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें आपका जो डोनर है वो अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस को इस एक्सेप्टर के ऊपर ट्रांसफर करेगा, एंड द एंड रिजल्ट विल बी द ऑक्सीडेशन ऑफ NAD एंड रिडक्शन ऑफ द क्विनोन। दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सर्गोनिक प्रोसेस, और एनर्जी जो इस प्रोसेस के अंदर रिलीज हो रही है, दिस एनर्जी इज गोइंग टू पंप प्रोटॉन फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। एक्चुअली वी कैन से कि आपके पास इस पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन में दो केमिकल प्रोसेसेस जो हैं, दीज केमिकल प्रोसेसेस आर कपल्ड। फॉर एग्जांपल, अगर मैं केमिकल रिएक्शन नंबर वन को यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपका पहला केमिकल रिएक्शन वो था जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही थी। कपलिंग की मैं बात कर रही हूँ, पहला केमिकल रिएक्शन वो था जिसमें आपके पास एक मिनट वेट कीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज योर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई थी, जिसमें आपके पास एक NADH+ प्रोटॉन एंड क्विनोन दे वर रिएक्टिंग, और इन्होंने इस तरह से अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंस को एक्सचेंज किया था। और सेकेंड जो केमिकल रिएक्शन था, इस केमिकल रिएक्शन में आपके 4 प्रोटॉन्स जो हैं, ये 4 प्रोटॉन्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिसको हम N साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बिकॉज यूजली इसमें नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होते हैं, यहाँ से उठ के कहाँ पे जा रहे थे, 4 प्रोटॉन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस विच इज यूजली पॉजिटिव। ठीक, बाइंड करोगे तो योर ओवरऑल केमिकल रिएक्शन विल बी दिस NADH+ 5 प्रोटॉन प्लस क्यूरोन, एंड द रिजल्ट विल बी द प्रोडक्शन ऑफ NAD+ QH2, और आपके 4 प्रोटॉन जो हैं वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मूव कर देंगे। सो दिस केमिकल रिएक्शन इज एक्चुअली द सम ऑफ दीज टू रिएक्शन, जिसमें एक आपका प्रोसेस जो है ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस था, और सेकेंड प्रोसेस आपका एंडरगोनिक प्रोसेस था। और ये जो ओवरऑल रिएक्शन आप ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज द कपल्ड प्रोसेस, जिसमें आपका एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस जो है वो एंडरगोनिक प्रोसेस के साथ क्या हो गया, लिंक अप हो गया।
अब अगर हम इस कॉम्प्लेक्स वन के थोड़े से स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करें, तो दिस इज एन एल शेप्ड प्रोटीन, ठीक है, और इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करो तो आप ये चीज देख रहे हो कि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ द एंजाइम कैरियर, सॉरी इलेक्ट्रॉन कैरियर। आपके पास यहाँ पे फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड भी अवेलेबल है, ठीक है, इसमें आपके पास जो है वो आयरन सल्फर प्रोटीन भी अवेलेबल है, ठीक है, और इधर आप देख रहे हो कि देयर इज अ बाइंडिंग साइट फॉर द क्विनोन, और क्विनोन जो है वो फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद अपनी फुली रिड्यूस फॉर्म यानी क्विनोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो रिड्यूस फॉर्म में NADH है, इट विल बाइंड टू इट्स बाइंडिंग साइट, ये कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करेगा और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। इट डजंट मीन कि इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली जो है वो क्यूबी क्विनोन के साथ जाके बाइंड करेंगे, बल्कि दरमियान में आपके पास जो है वो इस प्रोटीन के अंदर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी प्रेजेंट है। तो आप सेकेंड पॉइंट यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हो कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, these electron carriers are either freely present or they are covalently attached to the different complexes. So aap yahan pe is cheez ko witness kar rahe ho ki yes there are some electron carriers which are covalently attached to the complex one of electron transport chain and these electron carriers are accepting protons sorry electrons from a donor aur ek path provide kar rahi hain electrons for ultimately aapka jo acceptor hai wo un electrons ko kya kar lega pick kar lega. So again you can see कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे NADH के अंदर प्रेजेंट है बिकॉज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन और एक प्रोटॉन इसके साथ जो है वो मीडियम के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दो इलेक्ट्रॉन्स तो आपने देख लिए कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड देन आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाएंगे। आयरन सल्फर प्रोटीन से फाइनली आपके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यूबी किनोन की तरफ जाएंगे और उसको रिड्यूस कर देंगे। अब जो सेकेंड आपके पास है प्रोटॉन्स की मूवमेंट, उसमें आप ये चीज देखोगे कि एक प्रोटॉन तो ऑलरेडी इस NADH के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंड प्रोटॉन आपके पास वो वाला प्रोटॉन है जो ये अपने साथ यूजुअली कैरी करता है इस फॉर्म के अंदर NADH प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो एक प्रोटॉन तो यहाँ स्ट्रक्चर के अंदर अवेलेबल है और सेकेंड प्रोटॉन ये मीडियम से उठाएगा। तो मीडियम से उठाने वाला प्रोटॉन वही प्रोटॉन होगा जो कि यूजुअली ये अपने साथ कैरी करता है। तो यहाँ पे जो आपके पास टू प्रोटॉन्स यहाँ पे आइडेंटिफाई आप कर रहे हो कि दीज टू प्रोटॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर रिडक्शन ऑफ द यूबी किरोन, दीज आर द सेम प्रोटॉन्स। एक प्रोटॉन वो प्रोटॉन है जो कि हाइड्राइड आयन की वजह से है और दूसरा प्रोटॉन वो वाला प्रोटॉन होगा जो कि ये अपने साथ इस फॉर्म के अंदर कैरी करता है। तो दीज टू प्रोटॉन्स विल बी यूज टू रिड्यूस द यूबी किरोन और उसको उसकी क्विनोल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा और इस प्रोसेस के साथ साथ जो एनर्जी रिलीज होगी दिस एनर्जी विल बी used to pump four protons from mitochondrial matrix N site to intermembrane space P site, ठीक है। तो ये एंड इफेक्ट आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो। अब ये जो आपके पास यहाँ पे क्विनोल प्रोड्यूस हो रहा है, इस क्विनोल के स्ट्रक्चर को अगर आप लोग एक्सप्लोर करो तो बिकॉज दिस क्विनोल इज हैविंग टू हाइड्रोजन, इट मीन्स कि इसमें टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और टू प्रोटॉन्स प्रेजेंट, ठीक है। So this is the end product of complex one, और इस end product के अंदर two electrons और two protons present है। आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने complex one पढ़ा यूबीक्विनोन को डिस्कस किया था तो मैंने यूबीक्विनोन की एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बताई थी कि दिस यूबीक्विनोन इज अ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट हो सकता है और ये मॉलिक्यूलर शटल के तौर पे एक्ट करता है, यानी एक कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन्स को पिक करता है अपने रिड्यूस फॉर्म में चला जाता है और फिर आगे दूसरे कॉम्प्लेक्स को जाके क्या करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है। तो आपका ये जो यहाँ पे क्विनोल प्रोड्यूस हुआ है डजंट मीन कि हमेशा ये आपके कॉम्प्लेक्स वन के साथ एसोसिएट रहेगा, बल्कि ये जो क्विनोल है दिस क्विनोल कैन मूव विद इन द लिपिड बायलेयर और ये आगे वाले कॉम्प्लेक्सेस को जाके इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है ट्रांसफर कर सकता है। सो कॉम्प्लेक्स वन के बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि विच इज द सेकंड कॉम्प्लेक्स और इस कॉम्प्लेक्स की क्या प्रॉपर्टीज या क्या स्पेशलिटी। ओके, नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स टू ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और यहाँ पे आपने ये चीज याद रखनी है बच्चों, इस फिगर में आप देख सकते हो कि दिस इज कॉम्प्लेक्स वन एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स टू और जो आपका ये एंजाइम है दिस इज कोएंजाइम क्यू, दिस इज अ कैरियर जो कि कॉम्प्लेक्स वन से भी इलेक्ट्रॉन्स को पिक कर सकते हैं, यहाँ पे आप एरोस को देख रहे हो,
और ये कॉम्प्लेक्स टू से भी पिक कर सकते हैं, यानी दोनों कॉम्प्लेक्सेस में से कोई सा भी कॉम्प्लेक्स जब इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेगा तो वो सेम स्पीशी को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी एंड दिस स्पीशी इज को एंजाइम क्यू। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स टू के बारे में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको कंपेयर करते हैं। कॉम्प्लेक्स टू इज आल्सो एन एंजाइम और इसकी नेचर भी ऑक्सीडो रिडक्टेज है, बट हियर यू कैन सी कि आपके पास जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो डोनेटिंग स्पीशी है, this donating species is different and this is succinate. और जो acceptor है, this acceptor is same, ubiquinone या coenzyme Q. बच्चों आप लोगों को TCA cycle में याद होगा कि जब succinate transfer होता है fumarate में, तो इस process के दौरान एक enzyme use होता है and the name of this enzyme is succinate dehydrogenase कॉम्प्लेक्स। याद है आप लोगों को कि ये वाहिद एंजाइम था TCA साइकिल का जिसके साथ FAD जो है वो बॉन्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट था और इसको हमने फ्लेवोप्रोटीन कहा था। एक्चुअली द सेम एंजाइम जो कि TCA साइकिल के अंदर यूज हो रहा होता है, ये एंजाइम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी यूज हो रहा होता है, ठीक है। यानी इस केस में आपके पास जो है इस एंजाइम की ड्यूअल नेचर है, ये एंजाइम TCA साइकिल में भी वर्क कर रहा है और ये एंजाइम जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर भी वर्क कर रहा है। लाइक अगर मैं स्लाइड के अंदर आप लोगों को एक पॉइंट ऐड करके इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि आपके पास ड्यूरिंग द TCA साइकिल, सपोज दिस इज अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन जिसमें सक्सीनेट प्रोड्यूस होता है और अब इस सक्सीनेट में कन्वर्ट होना है फ्यूमारेट के अंदर। इस प्रोसेस के दौरान, दिस इज द TCA साइकिल, इस प्रोसेस के दौरान एक एंजाइम यूज होता है एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने आप लोगों को ये एंजाइम बताया था सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, तो मैंने वहां पर भी इस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट किया था कि दिस एंजाइम इज अटैच विद द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये एंजाइम TCA साइकिल का वाहिद एंजाइम है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं होता बल्कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस एंजाइम के अंदर वी हैव अ कोफैक्टर एफएडी। जब सक्सीनेट में फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट होना है तो इस प्रोसेस के दौरान एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिलीज होती है, ठीक है। तो आपका ये जो सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है ये इस केमिकल रिएक्शन को कैटेलाइज कराता है और इस केमिकल रिएक्शन से रिलीज होने वाले जो हाइड्रोजन हैं उनको यूटिलाइज करते हुए अपने साथ जो अटैच एफएडी है उसको एफएडीएच2 के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं और सक्सीनेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इट मींस कि आपके पास यहाँ पे जो सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है इट इज अ फ्लेवोप्रोटीन जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कहीं वेस्ट नहीं करती बल्कि उन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए अपने साथ कोवलेंटली बाउंड एफएडी को एफएडीएच2 के अंदर कन्वर्ट कर लेती है। सो द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सक्सीनेट, लेकिन इस मोमेंट के अंदर आप देखते हो कि ये इलेक्ट्रॉन सक्सीनेट से पहले एफएडी के पास जाएंगे, एफएडी को रिड्यूस करेंगे और फाइनली एफएडी से ये जो कॉम्प्लेक्स टू है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को यूबीक्विनोन या कोएंजाइम क्यू को ट्रांसफर कर देगा। So that's why आप इस एंजाइम को sometimes succinate dehydrogenase enzyme को succinate to ubiquinone oxidoreductase भी कहते हो, because ultimately जो ubiquinone के पास एंजाइम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स का जो ओरिजिनल सोर्स था वो succinate था, दरमियान में ये जो इलेक्ट्रॉन ubiquinone तक आएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल FADH2 की तरफ से और बाकी जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं उसमें आयरन सल्फर प्रोटीन हो सकती हैं, यानी ये अल्टीमेटली जो है वो यूबीक्विनोन को ट्रांसफर करेंगी। जस्ट लाइक द कॉम्प्लेक्स वन जिसमें आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि आपका जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये NADH मॉलिक्यूल है, ठीक है, लेकिन NADH से फाइनल जो एक्सेप्टर है यूबीक्विनोन, यहाँ तक आने के लिए इलेक्ट्रॉन को दरमियान में से काफी सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर में से गुजरना पड़ रहा था, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल NADH से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड की तरफ गए थे,
फिर आयरन सल्फर प्रोटीन और फाइनली यूबिक्यूरोन की तरफ आए थे। तो यहाँ पे भी आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपके पास जो सुपर नेट पर रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट रिड्यूस द फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड विच इज अ कोवलेंटली बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ सुक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। इसको आप सुक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस भी कह सकते हो या सुक्सिनेट टू यूबिक्यूरोन ऑक्सीडो रिडक्टेज भी कह सकते हो, दोनों ही एक ही एंजाइम के टू डिफरेंट नेम्स है। और फिर यहाँ से एफ ए डी एच टू से फाइनली आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो यूबिक्यूरोन की तरफ ट्रांसफर होंगे। सो यू कैन से कि आपका जो कॉम्प्लेक्स टू है, दिस कॉम्प्लेक्स टू इज वर्किंग इन बोथ पीसीए साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। पीसीए साइकिल से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को सोर्स के तौर पे यूज करता है और उन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देता है कहाँ पे, वन ऑफ द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो कॉम्प्लेक्स टू इज एक्चुअली अ सिट्रिक एसिड साइकिल एंजाइम। एंड ये कौन सा एंजाइम है? सुक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। और इसके अंदर आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर यू विल सी अ हीम सेंटर, आयरन सल्फर प्रोटीन, एंड देयर इज अ बाइंडिंग साइट फॉर दी सुक्सिनेट एज वेल एज फॉर दी यूबिक्यूरोन। सो अगेन, जैसे आपने कॉम्प्लेक्स वन के केस में पढ़ा था, यहाँ पे मैं कॉम्प्लेक्स टू के केस में भी आप लोगों को ये चीज रेफर करूंगी कि आपके पास यहाँ पे जो है वो दो बाइंडिंग साइट है। लाइक इस एंजाइम के पास एक तरफ इस डोनर की बाइंडिंग साइट है विच इज सुक्सिनेट, और दूसरी तरफ यहाँ पे एक्सेप्टर की बाइंडिंग साइट है विच इज यूबिक्यूरोन। सो ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ द यूबिक्यूरोन विल बाइंड और यहाँ पे सुक्सिनेट बाइंड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये जो सुक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे सुक्सिनेट टू यूबिक्यूरोन ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, दोनों एक ही एंजाइम है, यूबिक्यूरोन ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ये जब अपने इन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता है डोनर और एक्सेप्टर के साथ, तो पहला केमिकल रिएक्शन क्या होगा कि सुक्सिनेट से दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ दिस फ्यूमारेट विल बिकम द पार्ट ऑफ पीसीए साइकिल, ठीक है, और वहां पे ये आगे जो है वो मैलेट के अंदर कन्वर्ट होगा और मैलेट फिर फाइनली ऑक्सैलोएसिटेट के अंदर। तो आपका ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सुक्सिनेट जाके इस एंजाइम के साथ बाइंड करेगा और सुक्सिनेट कन्वर्ट होगा फ्यूमारेट, फ्यूमारेट वापस आके पीसीए साइकिल में वर्क करेगा, लेकिन सुक्सिनेट से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी एक्सेप्टेड बाय वन ऑफ द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ दिस एंजाइम एंड दिस प्रोस्थेटिक ग्रुप इज एफएडी। बिकॉज एफएडी इलेक्ट्रॉन्स को अकेले पिक नहीं कर सकता, अकेले एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ इसे प्रोटॉन की भी जरूरत है, बिकॉज एफएडी इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्सेप्ट करती है। इट मींस कि आपको इन दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ मीडियम से दो प्रोटॉन्स को भी पिक करना है अगर आप इस एफएडी को एफएडीएच2 में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। सो द फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज कन्वर्जन ऑफ एफएडी इनटू द एफएडीएच2, और ये अपने रिड्यूस फॉर्म में चला जाएगा। एफएडीएच टू से आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन सल्फर प्रोटीन्स की तरफ जाएंगे और आयरन सल्फर प्रोटीन से फाइनली आपका ये जो एक्सेप्टर है, दिस एक्सेप्टर विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, और चूंकि ये भी इलेक्ट्रॉन्स को इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एटम एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स अलॉन्ग विद द प्रोटॉन्स जो कि यहाँ पे एफ ए डी एच टू में थे, यहाँ पे क्यू एक्सेप्ट करेगा और अपनी फुली रिड्यूस फॉर्म क्यू एच टू के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों केमिकल रिएक्शंस के अंदर आप एक चीज को सिमिलर देख रहे हो कॉम्प्लेक्स वन के अंदर और कॉम्प्लेक्स टू के अंदर, कि इन दोनों के सिर्फ सोर्सेस डिफरेंट हैं। यहाँ पे आपके पास एनएडीएच था और यहाँ पे आपके पास जो सोर्स है ये सुक्सिनेट या एफएडीएच टू है, ठीक है, लेकिन इनके लिए जो एक्सेप्टर है वो सेम है। कॉम्प्लेक्स वन से भी क्यूरोन ने इलेक्ट्रॉन को पिक किया है और कॉम्प्लेक्स टू से भी क्यूरोन ही इलेक्ट्रॉन को पिक कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज इन दोनों के अंदर सिमिलर है। एक जो चीज आपने यहाँ पे फोकस करनी है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स टू इज नॉट अ प्रोटॉन पंप। यहाँ पे प्रोटॉन पंपिंग नहीं होगी, यानी आप कह सकते हो कि आपका जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर किसी किस्म का प्रोटॉन का चैनल अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस के अंदर जो रिलीज होने वाली एनर्जी है दिस इज नॉट कपल्ड विद द प्रोटॉन पंपिंग, ठीक है। तो आप
ये चीज जो है वो भी माइंड में रखोगे, और फिर मैं इस चीज को यहाँ से रिलेट करूंगी कि एक्चुअली हमारे पास जो है वो NADH और FADH2 से बनने वाले जो ATPs है, उन ATPs की अमाउंट के अंदर डिफरेंस क्यों आता है। तो पहला कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया विच इज द कॉम्प्लेक्स वन, जो कि NADH से इलेक्ट्रॉन्स को पिक करता था और अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने के साथ साथ जो एनर्जी थी उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए 4 प्रोटॉन्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसफर करता था। नो वी हैव अ सेकेंड कॉम्प्लेक्स, और सेकेंड कॉम्प्लेक्स में आप ये चीज बात कर रहे हो कि आपका जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है, दिस सेकेंड कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ डोनर टू एक्सेप्टर, बट दिस टाइम वी डोंट हैव एनी प्रोटॉन पंप। और इसमें प्रोटॉन पंप क्यों नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड नहीं हुई, बल्कि दिस इज अ पेरिफेरल प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन के एक पोर्शन के साथ अटैच है। तो ये प्रोटॉन को एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट तक भेज ही नहीं सकती, ठीक है। अगर आपकी प्रोटॉन ने यहाँ से एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट से मूव करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी ये जो प्रोटीन है ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हो, जो कि पूरे का पूरा वो पाथ प्रोवाइड करे जहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाके रिलीज हो जाएंगे, सॉरी प्रोटॉन। जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपका कॉम्प्लेक्स चूंकि पूरी मेम्ब्रेन को पास नहीं कर रहा, तो अगर प्रोटॉन जो है वो यहाँ से मूव करते भी हैं तो वो यहाँ पे जाके रुक जाएंगे, वो आगे जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज नहीं होंगे। सो वी कैन से कि आपका जो कॉम्प्लेक्स टू है, दिस कॉम्प्लेक्स कैन नॉट परफॉर्म प्रोटॉन पंपिंग। इस केस में जो है वो प्रोटॉन्स की पंपिंग पॉसिबल। सो नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स थ्री को देखते हैं, इसका जो स्पेशलिटी है किस किस्म का ये केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज करता है इसको देख लेते हैं, एंड देन वी मूव टुवर्ड द फोर्थ कॉम्प्लेक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अगेन हमारे पास यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स थ्री है, इट इज ऑल्सो एन ऑक्सीडो रिडक्टेज। मोस्ट ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेज आर ऑक्सीडो रिडक्टेज बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में इन्वॉल्व है ना, एक स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन पकड़ते हैं और दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। सो दीज एंजाइम्स आर कैटालाइजिंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, दैट्स व्हाई ये यूजुअली ऑक्सीडो रिडक्टेज है। बट दिस टाइम आपका जो कॉम्प्लेक्स थ्री है, दिस कॉम्प्लेक्स थ्री इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। लाइक ये अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स थ्री है, प्रीवियसली आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वन था, देन कॉम्प्लेक्स टू था, और इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में आपने ये चीज ऑब्जर्व की थी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर रहे थे एक सोलबल इलेक्ट्रॉन कैरियर के ऊपर, और ये सोलबल इलेक्ट्रॉन कैरियर कोएंजाइम क्यू था। लाइक इस कोएंजाइम क्यू का अगर कलर चेंज कर देते हैं टू मेक इट ऑब्वियस, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे आपका ये जो कोएंजाइम क्यू है, दिस इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वन एंड कॉम्प्लेक्स टू, लेकिन कॉम्प्लेक्स थ्री के लिए ये एज अ डोनर एक्ट करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को पिक करेगा फ्रॉम द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स एंड द सेकेंड कॉम्प्लेक्स, एंड बिकॉज दिस इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर तो ये मूव कर सकता है विद इन द लिपिड बायलेयर, और मूव करते करते कॉम्प्लेक्स थ्री के ऊपर इसकी जो बाइंडिंग साइट है वहां पे आके अटैच हो जाएगा। और आपका जो कॉम्प्लेक्स थ्री है ये हमेशा इसकी जो रिड्यूस फॉर्म है, इस रिड्यूस फॉर्म को एज अ डोनर के तौर पर यूज करता है, ठीक है। सो दिस इज अ डोनर, एंड इस केस में जो आपका एक्सेप्टर होगा, दिस एक्सेप्टर विल बी साइटोक्रोम सी विच इज अगेन अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। सो यहाँ पे आपका डोनर यूबीक्यूरॉन है और एक्सेप्टर साइटोक्रोम सी है, तो आप इस ऑक्सीडो रिडक्टेज को कह सकते हो कि दिस इज यूबीक्यूरॉन टू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि यूबीक्यूरॉन से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा और उन इलेक्ट्रॉन्स को आपका जो साइटोक्रोम सी है वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो दिस इज एन ऑक्सीडो रिडक्टेज जो कि यूबीक्यूरॉन और साइटोक्रोम सी के दरमियान ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैटालाइज करवा रहा है, ठीक है। सो दिस कॉम्प्लेक्स अगेन इज द प्रोटॉन पंप, इट मीन्स यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को ये यूटिलाइज करते हुए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में से कुछ प्रोटॉन्स को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर ट्रांसफर करेगा। तो कॉम्प्लेक्स वन के बाद हमने कॉम्प्लेक्स थ्री एक ऐसा कॉम्प्लेक्स देखा है जिसमें दोनों तरह के केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। इसमें एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, वो एक्सर्गोनिक प्रोसेस कौन सा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम यूबीक्यूरॉन टू दी साइटोक्रोम सी, एंड दिस एक्सर्गोनिक प्रोसेस इज कपल्ड विद एन एंडरगोनिक प्रोसेस, और एंडरगोनिक प्रोसेस कौन सा है, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दी एंड साइट टू दी
ई साइड फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. सो लेट्स सी कि ये जो आपके पास ओवरऑल केमिकल रिएक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, ये केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता किस तरह से, किस तरह से आपका जो कॉम्प्लेक्स थ्री है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के अंदर. कॉम्प्लेक्स थ्री में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है ये रिड्यूस फॉर्म आपका यूबिक्विनोल से स्टार्ट होगा और इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जाएंगे साइटोक्रोम सी के पास. यूबिक्विनोल में आपके पास टू इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं एंड टू प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं, जबकि साइटोक्रोम सी सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती. इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका ट्रांसफर रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है, ये टू स्टेप्स में होगा. पहले एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा एंड देन सेकंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा. और ये जो सिक्वेंशियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं दिस इज क्यू साइकिल. ठीक है, यानी आपका जो यूबिक्विनोन है ये साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा. और यहाँ पे एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में, बिकॉज डोनर के पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक्सेप्टर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पिक नहीं कर सकता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डोनर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, एक्सेप्टर उस इलेक्ट्रॉन को पिक करेगा, और जब तक ये साइटोक्रोम सी आगे जाके इलेक्ट्रॉन को कहीं पर रिलीज नहीं करेगा, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन को पिक नहीं कर सकता. इट मीन्स कि आपका साइक्लिक मैनर में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इस केमिकल रिएक्शन के अंदर आपका जो यूबिक्विनोल है ये दो में से एक इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम सी के अंदर. ठीक है, इटसेल्फ ये अपनी पार्शियली रिड्यूस फॉर्म के अंदर चला जाएगा सेमीक्विनोन के अंदर. साइटोक्रोम सी मजीद किसी केमिकल रिएक्शन में जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देगी और ये वापस अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में आएगी. ऑक्सीडाइज फॉर्म में आने के बाद ये अब दोबारा से जाके एक इलेक्ट्रॉन को पिक करेगी और वो इलेक्ट्रॉन दोबारा जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या कर देगी, डोनेट कर देगी. सो वी कैन से इस केमिकल रिएक्शन के अंदर एक्चुअली आपके पास एक साइक्लिक मैनर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ट्रांसफर हो रहा है. सो लेट्स सी कि ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या है और किस तरह से आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक डोनर से एक्सेप्टर की तरफ मूव करते हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब डोनर और एक्सेप्टर की इलेक्ट्रॉन कैरिंग कैपेसिटीज एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है. तो बच्चों ये कॉम्प्लेक्स थ्री आप लोगों के सामने मैंने इधर जो है वो इसको ड्रॉ किया हुआ है और इसको आप लोग अगर फोकस करें तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स थ्री है, इस कॉम्प्लेक्स थ्री में दोनों तरह के जो क्यूरोन है उसकी बाइंडिंग साइट अवेलेबल है. यानी आपका रिड्यूस फॉर्म में जो क्यूरोन है, दिस क्यूरोन विल बाइंड विद द कॉम्प्लेक्स थ्री ऑन इट्स बाइंडिंग साइट. और आपके पास जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में क्यूनोन है, दिस कैन आल्सो बाइंड विद द कॉम्प्लेक्स थ्री टू इट्स बाइंडिंग साइट. ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास कोई एक कोएंजाइम क्यू तो नहीं है ना, मल्टीपल कोएंजाइम क्यूज है. हो सकता है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर कोई एक कोएंजाइम क्यू अपनी रिड्यूस फॉर्म क्यूनोल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है एंड द अदर कोएंजाइम क्यू इज इन इट्स ऑक्सीडाइज फॉर्म यूबिक्विनोन. तो कॉम्प्लेक्स थ्री के अंदर दोनों तरह के क्यूनोन्स के लिए बाइंडिंग साइट है. फुली रिड्यूस क्यूनोल भी बाइंड कर सकती है और फुली ऑक्सीडाइज क्यूनोन भी बाइंड कर सकती है. सो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इज द या फर्स्ट स्टेप इज द बाइंडिंग ऑफ क्यूनोल एंड बाइंडिंग ऑफ क्यूनोन. अब क्यूनोल के पास इस टाइम वी हैव टू इलेक्ट्रॉन्स एंड टू प्रोटॉन्स. क्यूनोल QH2 फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है और इस QH2 फॉर्म के अंदर आपके पास टू इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं प्लस टू प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं. जबकि साइटोक्रोम सी के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये एट अ टाइम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही पिक कर सकती है. इट मीन कि जब क्यूनोल अपनी बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड करेगी और इसकी ऑक्सीडेशन होगी, बिकॉज दिस इज एन ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, इट मीन्स कि ये इसकी इसको ऑक्सीडाइज करके इसमें से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव करेगा. सो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कंटेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स एंड टू प्रोटॉन्स. इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ इस पाथ को फॉलो करेगा
जो कि आयरन सल्फर प्रोटीन में से होता हुआ, यहाँ पे आपकी आयरन सल्फर प्रोटीन टू आयरन एंड टू सल्फर वाली फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। आयरन सल्फर प्रोटीन भी चूंकि एक इलेक्ट्रॉन को पिक कर सकती है, इसका मतलब है कि आपके जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस ट्रैक को फॉलो करेगा, पहले आयरन सल्फर प्रोटीन के पास जाएगा, आयरन सल्फर प्रोटीन के बाद आपके पास यहाँ पे हीम प्रोटीन के पास जाएगा, हीम प्रोटीन में आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, अल्टीमेटली ये साइटोक्रोम सी पे चला जाएगा। तो आपका एक इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन कैरियर की मदद से फाइनली साइटोक्रोम सी तक पहुंच गया। अभी मैंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की बात की है, दूसरे इलेक्ट्रॉन और जो दो प्रोटॉन्स हैं उनको मैंने डिस्कस नहीं किया। तो यूबीक्विनोल की ऑक्सीडेशन के बाद एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ट्रैक से होता हुआ साइटोक्रोम सी के पास चला गया। व्हाट अबाउट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड द टू प्रोटॉन्स? जो दो प्रोटॉन्स यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दोनों के दोनों प्रोटॉन्स जो है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज हो जाएंगे, एज यू कैन सी हेयर, ठीक है, ये वाला। सो आपका एक इलेक्ट्रॉन भी निकल गया और दो प्रोटॉन्स भी निकल गए। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया? साइटोक्रोम सी के पास, और प्रोटॉन्स कहाँ पे गए हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे। जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे रह गया है, बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द साइटोक्रोम सी एंड नॉट बाय द आयरन सल्फर प्रोटीन, बिकॉज आयरन सल्फर प्रोटीन भी एक टाइम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन को ही पिक कर सकती है, जबकि जब यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन हुई थी तो उस टाइम दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए थे। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन तो इस पास के थ्रू साइटोक्रोम सी पे चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली कहीं वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी और हम एनर्जी के वेस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपका जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से रिलीज होगा, फौरी तौर पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कुछ एडिशनल हीम प्रोटीन की भी आई गेस, ठीक है, इन हीम प्रोटीन की मदद से आपका जो सेकेंड ऑक्सीडाइज फॉर्म में क्यूनॉन प्रेजेंट था उसके पास चला जाएगा और इस क्यूनॉन को क्यूनॉन रेडिकल के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चीज प्रेजेंट है? एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। सो दिस इज क्यूनॉन रेडिकल। सो यहां तक आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया, और इस स्टेप का रिजल्ट क्या है? एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी के पास चला गया है, आपके जो दो प्रोटॉन्स हैं वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चले गए हैं, आपका जो क्यूनोल था जो QH2 की फॉर्म में यहाँ पे अटैच हुआ था, ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होके अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स और दोनों प्रोटॉन्स को रिलीज करने के बाद क्यू की फॉर्म में चला गया है यूबी क्यूनोन में, और जो दूसरा क्यूनोन जो कि अपनी फुली ऑक्सीडाइज फॉर्म के साथ यहाँ पे अटैच हुआ था, ये इस केस में पार्शली रिड्यूस या फिर सेमी क्यूनोन फॉर्म के अंदर या क्यूनोन रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो आपके पास एंड इफेक्ट क्या है? द कन्वर्जन ऑफ QH2 टू Q एंड कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ द क्यूनोन टू द क्यूनोन रेडिकल, ये दो आपने चीजें ऑब्जर्व की। नाउ सेकेंड राउंड में क्या होगा कि आपकी इस बाइंडिंग साइट के साथ ये रेडिकल ही अटैच होगा, बिकॉज दिस रेडिकल इज नॉट स्टेबल, जब तक आप इसे प्रोटॉन प्रोवाइड नहीं करते ये स्टेबल नहीं होगा। तो ये अपनी इसी बाइंडिंग साइट के साथ ही रहेगा, और सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये वाली जो बाइंडिंग साइट जो फ्री हुई है इस बाइंडिंग साइट के ऊपर एक और क्यूनोल आके अटैच होगा। एक क्यूनोल प्रीवियस स्टेप के अंदर अटैच हुआ था और उसने दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद अपनी ऑक्सीडाइज फॉर्म में चला गया था। नाउ मीडियम में हो सकता है इस टाइम आपके पास जो है वो टू क्यूनोल्स अवेलेबल हो, so second quinol will bind in the second step with its binding site. Again उसी तरह से chemical reaction होगा, इसकी जब oxidation होगी तो इसका मतलब है दो electrons निकलेंगे और दो protons निकलेंगे, उसमें से एक electron जो है वो इन iron sulfur proteins के through और इस heme के through वापस cytochrome c पे चला जाएगा, ठीक है। इस time आपके पास जो है वो cytochrome c electron को accept कर सकती है, because प्रीवियसली जो इलेक्ट्रॉन उसने एक्सेप्ट किया था हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन आगे किसी स्पीशी को रिलीज कर रही हो, उसको डोनेट कर रही हो, तो यहाँ पे आपकी साइटोक्रोम सी अगेन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगी एंड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन विल अगेन फॉलो द सेम पाथ, यहाँ से हीम ग्रुप्स के थ्रू होता हुआ इस केस में क्यूनोन रेडिकल के पास जाएगा,
और रेडिकल के पास से पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब उसमें जाके मजीद एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। तो जब आपके पास इस रेडिकल में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दिस रेडिकल विल एक्सेप्ट द टू प्रोटॉन्स फ्रॉम द मीडियम और ये अपनी फुली रिड्यूस फॉर्म यानी क्यूनोल के अंदर ट्रांसफर होके मीडियम में रिलीज हो जाएगा। सो एज अ होल हम देख सकते हैं कि एक क्यू साइकिल में आपका एक्चुअली एक यूबीक्यूनोल इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बल्कि एक क्यू साइकिल में आपके दो यूबीक्यूनोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, एक पहले स्टेप में आता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है और उसके बाद उनमें से एक इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम सी पे चला जाता है, दूसरा यूबीक्यूनोल आता है बाइंड करता है और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। सो हम कह सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम सी में ट्रांसफर करने के लिए आपके दो यूबीक्यूनोल कंज्यूम होंगे। पहले एक यूबीक्यूनोल आके बाइंड करेगा जो कि एक इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम सी पे पास करेगा और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को यूज करते हुए वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ यूबीक्यूनोल को रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन सेकेंड यूबीक्यूनोल विल कम, इट विल बाइंड टू इट्स बाइंडिंग साइट एंड इट विल प्रोवाइड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू साइटोक्रोम सी एंड द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर टू द रेडिकल और ये रेडिकल जो है वो रिड्यूस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो लेट्स डिवाइड दीज रिएक्शंस इनटू द टू हाफ रिएक्शंस और उसके बाद हम इसका जो ओवरऑल सम है उसको देखेंगे। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के अंदर यस, एक आपके पास रिड्यूस फॉर्म में यूबीक्यूनोल आया, एक ऑक्सीडाइज फॉर्म में यूबीक्यूनोन बाइंड किया, साइटोक्रोम सी बाइंड की जो कि फुली ऑक्सीडाइज फॉर्म में थी बिकॉज इसमें किसी किस्म के इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। आफ्टर केमिकल रिएक्शन आपका ये जो यूबीक्यूनोल था ये ऑक्सीडाइज होके क्यू में कन्वर्ट हो गया, जो आपका फुली ऑक्सीडाइज क्यू था यूबीक्यूनोल था ये सेमी रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडाइज से रिड्यूस में कन्वर्ट हो गया और इस प्रोसेस के दौरान दो प्रोटॉन्स जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में चले गए। दिस इज द रिएक्शन ए। सेकेंड रिएक्शन में आपने देखा कि आपका मजीद एक जो यूबीक्यूनोल है वो आके अपनी बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड करेगा, यानी हर केमिकल रिएक्शन के अंदर आपने डोनर एक्सेप्टर और प्रोटॉन्स को कंसीडर करना। ठीक है, यहाँ पे आपका डोनर एक्सेप्टर प्रोटॉन और यहाँ पे आपकी जो सेकेंड स्पीशीज थी इसको भी कंसीडर कर लो। सो अगेन आपका जो यूबीक्यूनोल है ये बाइंड करेगा फर्स्ट यूबीक्यूनोल, सेकेंड बाइंडिंग साइड पे इस टाइम कोई स्पीशी बाइंड नहीं करेगी बिकॉज ऑलरेडी आपका जो रेडिकल है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस रेडिकल साइटोक्रोम सी जो कि ऑक्सीडाइज फॉर्म में दिस वन और यहाँ पे आपके जो दो प्रोटॉन्स हैं ये कंज्यूम हो रहे हैं कहाँ से, एन साइड से। इसका इफेक्ट क्या होगा, यूबीक्यूनोल ऑक्सीडाइज होके क्यू फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दिस वन प्रोडक्ट में आपके पास ये आ जाएगा, रेडिकल फॉर्म में जो आपके पास क्यूनोल था एट द एक्सपेंस ऑफ दीज टू प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स ये अपने फुली रिड्यूस फॉर्म में चला जाएगा, सो हम इसको QH2 लिखेंगे। दो प्रोटॉन्स जो यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं ये मैट्रिक्स में जा रहे हैं तो हम इसको प्रोडक्ट साइड पे लिखेंगे एंड साइटोक्रोम C1 विल बी रिड्यूस। सो जितने आपके पास केमिकल रिएक्शन के दौरान डोनर्स और एक्सेप्टर्स हैं उन सबको अपने दो हाफ रिएक्शन के अंदर डिवाइड कर दिए। अब इन दोनों केमिकल रिएक्शंस को अगर आप ऐड करो तो जो चीजें आपकी कॉमन है दोनों साइड्स के ऊपर उनको आप कैंसिल कर लोगे, लाइक अगर आप इस पूरे के पूरे केमिकल रिएक्शन को एक कंप्लीट जो हाफ रिएक्शन है इस हाफ रिएक्शन को और इस हाफ रिएक्शन को ऐड करो और कंप्लीट केमिकल रिएक्शन आप निकालना चाह रहे हो तो यू विल से कि आपके पास जो नेट इक्वेशन है वो इस तरह से आएगी। बैलेंसिंग के टाइम हम ऐसे ही करते हैं ना कि अगर आपकी कोई स्पीशी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे प्रेजेंट है तो आप उसको कैंसिल कर देते हो। सो हियर यू कैन सी कि ये रेडिकल यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे प्रेजेंट है, आप इसको कैंसिल कर सकते हो। ये आपका क्यू यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे प्रेजेंट है और यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे प्रेजेंट है, आप इसको कैंसिल कर सकते हो। आपका यहाँ पे जो साइटोक्रोम सी दिस वन साइटोक्रोम सी वन जो है यहाँ पे भी ऑक्सीडाइज है, यहाँ पे भी ऑक्सीडाइज है और जो आपको प्रोडक्ट साइड में मिल रहे हैं ये रिड्यूस फॉर्म में है तो आप इनको कैंसिल नहीं कर सकते बल्कि आप इनको ऐड करोगे। सो यू कैन सी कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आपका एक जो है वो क्यू एच टू दिस क्यू एच टू यहाँ पे प्रोड्यूस भी हो रहा है दिस वन, सो दिस क्यू एच टू विल बी कैंसल्ड आउट विद दिस, ये भी कैंसल हो जाएगा और फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आएगी
उस इक्वेशन में आप लिखोगे कि आपका एक QH2 जो है, दिस QH2 इज एक्चुअली रिड्यूसिंग टू ऑक्सीडाइज साइटोक्रोम सी, और इस प्रोसेस के दौरान ये मैट्रिक्स में से दो प्रोटॉन्स को क्या कर रहा है, पिक कर रहा है, ठीक है, दो प्रोटॉन्स को मैट्रिक्स में से पिक कर रहा है, और केमिकल रिएक्शन के दौरान आपका जो यूबी किनोल है वो किनोल में कन्वर्ट हो रहा है, साइटोक्रोम सी जो दो रिड्यूस कर रहा है डेफिनेटली वो रिड्यूस फॉर्म के अंदर आएगी, और आपके जो फोर प्रोटॉन्स हैं ये कहाँ पे मूव कर रहे हैं, दिस फोर प्रोटॉन्स आर मूविंग टू दी पी साइड और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।